मऊगंज हनुमाना क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण माइनर टैंक का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बांधों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और इनके मेंटेनिंग के लिए आने वाली राशि का बंदरवाड़ जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से कर लिया जा रहा है। आमतौर पर नहरों और बांधों से संबंधित एक जल उपभोक्ता समिति भी होती है जो बांधों और नहरों की निगरानी करती है और उसका रखरखाव देखती है, लेकिन मौके पर सर्वेक्षण के दौरान जिस प्रकार नहरों और बांधों की दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि इन सबकी मिलीभगत का ही परिणाम है कि आज बांध नष्ट होने के कगार पर है और उनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। जगह जगह बांध टूट रहे हैं, भीटों में गड्ढे हो गए हैं और माइनर टैंक भी नष्ट हो रहे हैं। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार ने बताया है कि जिले के माइनर टैंकों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन से अधिक बांधों का निरीक्षण करने के बाद यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इन बांधों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया गया है और इसकी क्षमता के अनुरूप जल संरक्षण भी नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि निर्धारित भूमि की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है और मात्र कुछ अंश भाग में ही बड़ी मुश्किल से लोग अपने खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। किसान भी अपनी जोर जुगत लगाकर काम चलाते हैं, लेकिन जबकि नहरों के टूटने कारण उनके खेतों में सीधे नहरों से सिंचाई नहीं हो पा रही है। वार्तालाप के दौरान रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री परिहार ने बताया कि अमूमन बेस्ट बियर की ऊंचाई बांध के जल संग्रहण क्षमता के अनुरूप रखी जाती है, लेकिन कई बांधों में देखा गया कि बांधों के बेस्ट बियर की ऊंचाई बहुत निचले स्तर पर रखी गई है, जिसकी वजह से बड़े बड़े बांध भी आधे से कम क्षमता तक ही भर पा रहे हैं। यदि बेस्ट बियर की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो बांधों के जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ जाएगी और ज्यादा क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इन बांधों में जो क्षमता निर्धारित की गई है उनके अनुरूप पानी का भराव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की आय को दोगुनी होना तो दूर, लागत राशि भी हासिल नहीं हो पा रही है, जिससे सरकार की योजनाओं की कलाएं खुल रही है। परिहार साहब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे सामने ये बांध है, ये बांध पूरी तरह से सूखा हुआ है, तो इसमें कई प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं। पहला तो यही कि बांध सूखा हुआ है, शायद ये पानी हमने उपयोग कर लिया और हमने सिंचाई और मानव के लिए ज़्यादातर ये पानी का उपयोग हुआ। अब इसमें एक अगला प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस सृष्टि में, इस जगत में मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि संपूर्ण जो इसकी वस्तुएँ हैं, है ना, जो भी पंचमहाभूत हैं या जो भी हैं, क्या हमारे ही मानव के उपयोग के लिए हुई हैं? हम ये मानते हैं कि यहाँ पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, हर तरह से, तो क्या पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पानी का कोई अधिकार नहीं है? हम मानते हैं कि हमने इस पानी को यहाँ पर स्टोर किया, कृत्रिम तौर पर हमने बनाया, पर क्या ये नैतिकता नहीं कहती कि इसमें कम से कम 5 फीट 10 फीट या कुछ एक लिमिटेड मात्रा में इसमें पानी छोड़ दिया जाए जो गर्मियों में रहे, जिसे पशु पक्षी जीव जंतु आकर के इसका दोहन करें? द्विवेदी जी, आपका बहुत समसामयिक प्रश्न है और मैं तहे दिल से इसका अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि आपने सम द्विपदे चतुष्पदे चा के भाव को आपने जागृत किया है। वस्तुतः ये बिल्कुल सही है, कोई भी टैंक हो, चाहे तालाब हो, कुआं हो, जो भी हमारे जल स्रोत हों, उनमें चींटी से लेकर सारे पशुओं का बराबर का हिस्सेदारी है। केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं, मनुष्य की जिम्मेदारी है कि जो भी वो अपना कृत करता है या प्रकृति के जो रिसोर्स हैं उन सब में सबकी साझेदारी, सबके कल्याण के भाव निहित करते हुए उसकी योजना बनाए। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे में इस टैंक का और इस प्रकार के कई अन्य टैंक, जो भी कन्हैया टैंक देखा, अपना छुया टैंक देखा, एक बूंद पानी नहीं। क्या पशु पक्षियों का आप बताइए, यहाँ से लगा हुआ फटा हुआ वन है, हिरण हैं, सुअर हैं, अन्य वन्य जीव हैं, कहाँ पानी मिलेगा उनको? अब गौ माता किसी, कोई भी गाय हैं, बैल हैं, चिड़िया हैं, पशु पक्षी हैं, अन्य वन्य जीव हैं, कहाँ से पानी पियेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ था कि जो भी बड़े डैम्स हैं उनमें 10% पानी का उसमें रीजनरेशन रखा जाए, उसमें प्रवाह रखा जाए, जो लीन पीरियड में जितना पानी बहता है उसका 10% सदैव प्रवाहवान रहे, जिससे कि उसके विसिनिटी के जो लोग हैं, जो वन्य प्राणी हैं या पशु पक्षी हैं, जो भी जो लोग यूजर्स हैं, जो पानी के कीट पतंग से लेके जो भी लोग यूज करने वाले हैं, उनके यूज में किसी प्रकार की कमी ना हो। इसलिए बड़े बड़े बांधों में जो गेटेड स्टोरेज हैं, जैसे बाणसार डैम है, न्यान डैम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 10% जो हमारे उसके डाउन स्ट्रीम नदी का प्रवाह है, उतना पानी 10% तो अनिवार्य रूप से प्रवाहवान होता रहना चाहिए, जिन प्राणियों को उसका पीने के लिए, उनको गर्मी के दिनों में या आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने के लिए मिलता रहे। इसमें भी पानी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने तो पहले प्रपोज
किया था कि इससे समर जहाँ टच होता है वहाँ पर एक मैन मेड तालाब बना दें। तो मैन मेड तालाब मैंने उसमें आप मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर 150 मीटर का आपने एक तालाब बना दिया और तालाब में उसमें पक्का आपने गहराई करके उसके लेवल से आपने 4 मीटर 6 मीटर गहरा कर दिया और रैंप बना दिए और उस गहराई में करके और उसमें पानी भरेगा उसके बाद पानी भर के टैंकी आ जाएगा। तो जब इसका टैंक निकल भी जाएगा जो भी इसकी स्टोरेज है तो वो जो जमीन के नीचे इसके लेवल से जो टच करना हुआ लेवल उससे 4 मीटर 3 मीटर जब नीचे पानी भरा हुआ है वो पानी वन्य जीवों के लिए गर्मी के दिनों में 3-4 महीने के लिए उनके लिए उपयोग हो जाएगा। जैसे आपने मार्च में आपका पानी डिप्लीट हो गया तो मार्च से 3 महीने के लिए वो जो टैंक है उनके ऊपर बना हुआ है जो रिजर्वायर के अंदर टैंक उन स्तर के लिए पक्षियों के लिए काम आ जाएगा। आज हम ये चीज देख रहे हैं बड़ी पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, मुझे पीड़ा है इस बात के लिए। कहीं भी हम हमारे पास यदि बोरवेल भी है ट्यूबवेल भी है हम देख रहे हैं कि हम इतना परहित का काम नहीं कर सकते कि हम थोड़ा सा कोई एक गढ़ी है या इस तरह से कोई गड्ढा है या तालाब तो दूर की बात है, खेत का एक हिस्सा है हम उसको भर दें जिससे ये पशु पक्षी उसका उपयोग करें, हम किसी भी व्यक्ति में नहीं देख पा रहे। तो कम से कम ऐसे शासकीय स्ट्रक्चर जैसे बड़े बड़े बांध आपका पालर बांध हो गया, आप ये बताइए इनमें ही पानी कोयल रहती है, अब इस कोयल को यदि पानी पीने के लिए यहाँ तो कोई पानी नहीं है, कम किस तालाब के पास जाना पड़ेगा, 500 मीटर जाएगी किलोमीटर जाएगी किसी तालाब के पास जाकर चलता है जाकर बड़े मुश्किल से आप खड़े है, आपको 1 किलोमीटर के पेरिफेरी में कहीं एक बूंद पानी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो माने एक वो प्यासी कोई पशु पक्षी है और एक चीज और भी है, पहाड़ लगा हुआ फटा हुआ देखिए एक बूंद पानी यहाँ पर आने के बाद हमने ये भी देखा कि ना तो यहाँ पर मतलब आपने चिड़िया पंछी की बात करी ना मुझे कोई यहाँ पे पशु भी दिख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे पशु भी नहीं है, इसलिए पानी पीने चले गए नहीं पानी नहीं अभी पानी पी करके फिर आएंगे लेकिन यहाँ पे चलेंगे अभी क्या कुछ नहीं चलेंगे। और अभी आप 2 महीने 4 महीने पहले आए हुए थे तो आपको पशु ही पशु दिखाई देते, पानी था। सरकार के लिए विभागों के लिए और हर तालाबों स्टडी कराएं और तालाबों के अंदर तालाब बनाएं ताकि वन्य प्राणियों के लिए भी, और ये नहीं है तो 10% पानी कम से कम तालाबों का भी संरक्षित करें ताकि वन्य जीवों के लिए गर्मी ऋतु के लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। टैंक को लगता है कि 2 मीटर कम भरते हैं, इसका रीजन इसको जो वेस्ट वियर है इससे स्पष्ट हो गया कि वेस्ट वियर लोअर लेवल पे है, इसको अभी 1 मीटर 1.5 मीटर बढ़ा देते हैं तो आपका इस तरीके से स्टोरेज आपका 1 मीटर और बढ़ जाएगा तो पानी का स्टोरेज आपका। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यदि मान लीजिए इसका 1 मीटर के आसपास इसका समर जैसी बात है, आप ये कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ा देंगे तो गाँव एक घर डूब सकता है या कुछ और एरिया डूब सकता है, मौजूद इसका पानी आज एक वन ड्रॉप मोर ड्रॉप एक ही बूंद पानी का महत्व है तो इतना बड़ा स्टोरेज ऐसी स्थिति पहले एनालिसिस कर लीजिए कि आपका पानी के लेवल क्या रहा है, कितनी कैपेसिटी का लॉस हो रहा है, कितनी कैपेसिटी का लॉस हो रहा है असेसमेंट कर लीजिए तो कैपेसिटी लॉस ओवरकम करने के लिए उसमें आपको जो वेस्ट वियर है इसको आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। वेस्ट वियर रीडिजाइन करने का मतलब कि आपको हो सकता है कि इसकी लंबाई जब आप इसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे तो हो सकता है इसको लंबाई बढ़ानी पड़े, तो हो सकता है 10 मीटर आपको आपके पास स्पेस है 10 मीटर का 15 मीटर का सीमेंट बढ़ा दीजिए, वहाँ गाइड वाल बना ट्रेनिंग वाल बना दीजिए तो पानी उधर भी नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा पानी इधर से निकल जाएगा और पानी का स्टोरेज जो आपका ये स्टोरेज है 1.5 मीटर आप स्टोरेज और कर लेंगे टाइम में, कारण हर जगह आपका पानी का लेवल जो है आपका फ्री बोर्ड जो है 1.5 मीटर होना चाहिए, फ्री बोर्ड आपका 3 मीटर है तो 1.5 मीटर कम से कम आप 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक का पानी इसमें लेवल बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइड है आप इसको रीडिजाइन कर लें अपना वेस्ट वियर को और इसमें कोई सी प्रकार की और इसका एनालिसिस कर लें, लेंथ कम पड़ती है तो लेंथ को आगे एक्सटेंड कर दो, वहाँ पर आपके स्पेस है उधर भी आप एक वेस्ट वियर बना करके गाइड वाल बना दीजिए किनारे में। और यदि कोई गाँव यदि मान लीजिए आता है मान लीजिए झोपड़ी घर में आता है सब संभावना है हो सकता है कि घर को मौजूद दे लीजिए इनका मौजूद देकर साहब का चीफ इंजीनियर साहब का ये कहना है कि आसपास के बड़े डैम का इतना सुंदर डैम यदि ये डूब में आ जाते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ने से तो इनको मुआवजा दे करके रिसेटल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है और जिस प्रकार से इस बांध में इतना पैसा खर्च किया गया लगभग इसकी जो हाइट है आप ये मान के चलिए कि 2 मीटर 3 मीटर के आसपास है जिसमें पानी नहीं भर पाता है, इसकी वजह से दिक्कत यह है कि ये वेस्ट जा रहा है, मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद में पानी का समुचित और पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ये वेस्ट वियर यानी कि जो पानी फ्लो का ये रहता है एक्सेसिव पानी का फ्लो जो होता है बाहर निकलता है जो पानी ज़्यादा हो जाता है उसकी हाइट को इसको बढ़ाया जा सकता है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं।
कितना नीचे से है आप देख सकते हैं, है ना। थोड़ा एक मीटर आप और बढ़ा दीजिए तो इसमें पानी का स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा। एक मीटर भी पानी का स्टोरेज ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है।